अच्छा लग रहा है अभी, बीच में रोड दोनों तरफ खेत। गाइस चने खाओ मैगी खाओ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं एक नई लोकेशन, एक हिडन वाटरफॉल है। आज हम वहाँ जा रहे हैं, बीगू वाटरफॉल बोलते हैं और वो है माल देवता। पहले प्लान इनका वैसे ऋषिकेश का बन रहा था, तो मैंने तो मना कर दिया। तो मैंने कि ऋषिकेश तो मैं अब भी गया था कुछ टाइम पहले, तो मैंने बोला कि अब भी इतनी जल्दी का जाना। तो तब बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है कि ऋषिकेश रहने देते हैं, कैंसिल हो गया था प्लान, तो यहीं चलते हैं कि वाटरफॉल पे। अब गर्मियों का टाइम आने वाला है तो वाटरफॉल जाना सही रहेगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तब ज़्यादातर वीडियो ऐसी ही बनेगी, यहाँ पर ज़्यादा मतलब पानी हो पूल हो। बाकी मंदिर की तो चढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। यह आ चुका है महाराणा प्रताप चौक, यहाँ से जाना है सीधा माल देवता के लिए। हम रह चुके हैं पीछे और साथ वाले सब आगे जा चुके हैं। ये पहुँच जाते हैं राजपुर, यहाँ पर चल रहा है अभी काम, तो यहाँ पर हमें जाना पड़ रहा है थोड़ा घूम के। यहाँ से निकल रहे हैं हम। ये दोनों हैवी ड्राइवर निकल गए थे आगे, रास्ता पता नहीं और चल गए आगे बिल्कुल। अब जब पता नहीं सीधा आगे चल रहे हैं यार, रुक जाओ थोड़ा। और हम निकल चुके हैं यहाँ से, एक गांव के बीच से जा रही है एक रोड, उस साइड से जो रास्ता है वहाँ से चल रहा है पुलिया में काम, तो हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। अच्छा लग रहा है अभी, बीच में रोड दोनों तरफ खेत। अच्छा है यहाँ पे लोकेशन, रास्ता तो बहुत एडवेंचरस लग रहा है मुझे। एक छोटा सा पुल, यहाँ से निकलना है हमें। यहाँ से पूरा कच्चा रास्ता ही है। ये है आपका लाल पुल, यहाँ से निकलना है हमें सीधा। ये है आपका डिफेंस एकेडमी देहरादून, यहाँ से सीधा निकलना है। और गाइस जिसने इंस्टा में फॉलो नहीं किया फॉलो कर देना, ये पुल है यहाँ से रहना है हमको राइट। यहाँ पार्किंग में लगा के यहाँ से जाना है सीधा, ट्रैकिंग करनी है तो कुछ किलोमीटर की ट्रैकिंग है यहाँ से, फिर निकलते हैं पैदल ट्रैकिंग के लिए। मैगी पतीले सब रखे हुए हैं मैगी वैगी बनाने के लिए। ये जो पानी आ रहा है ये वाटरफॉल का ही आ रहा है वहाँ से, और हमें जाना है आगे बिल्कुल। तो यहाँ से पैदल ट्रैकिंग है 1.5 या 2 किलोमीटर की शायद से। काफ़ी प्यारी लोकेशन, और यहाँ आगे पे रिजॉर्ट है, पूल है। ऐसा कुछ यहाँ का रास्ता, लेकिन कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये रास्ता ऐसे होगा, बर्तन भांडे ला रखे अपने साथ। ये पतीले देखो, इन्हें मैं वो दिक्कत फेंकने वाला हूँ। यहाँ से एक दो रास्ते जा रहे हैं, एक ऊपर नीचे, हमें जाना नीचे क्योंकि वाटरफॉल है वो यहाँ से नीचे जाके। रास्ता काफी अच्छा है यहाँ से, पूरी साइड साइड पंडाली है इनसे जरा बच के। ये लग गई तो उसके बाद खुजली तो नहीं होगी कि पूछ मत। जैसे रास्ते गढ़वाल के होते हैं पूरा वैसे रास्ता है, ये पूरे पत्थरों से नारक है पठाली टाइप। गैस तो निकाल दी उसकी, अब पहुंचने वाले हैं कुछ थोड़ा दूर रह गया है। मेरे तो यहाँ पर का व्यू, और यहाँ कितनी पब्लिक आ रही है, झरना देखिए कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है, और ठंडक हो रही है यहाँ पर झरने के उससे काफ़ी अच्छी। सब जगह बैठे हुए हैं सब, कुछ वो बैठे हैं, पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ी जा रही है, पत्थर से। यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ रही है काफ़ी,
लकड़ियों के लिए। ये गिरा, ये गिर गया। हमने यहाँ लोकेशन देखी है काफ़ी अच्छी, जो कि मैगी बनाने के लिए अच्छी है, और चूल्हा भी यहाँ पर बन बनाया मिल चुका है हमें। बस खाली लकड़ी भी मिल चुकी है यहाँ पे। गाइस पानी चेक कीजिए आप, बिल्कुल क्लियर पानी है। पतेला फूक चुका है, ये देखो। और ये स्पीकर, एक छोटा सा स्पीकर, काफी अच्छी आवाज है इसकी, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। और मैगी हमारी बन चुकी है। गाइस चने खाओ, मैगी खाओ। यहाँ पर थोड़ा गार्निश हो चुकी है मैगी के ऊपर, यहाँ पर स्प्राउट्स डाल चुके हैं। चढ़ाई भी है, चढ़गी, बहुत बढ़िया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बन चुके और खाने को तैयार, बिल्कुल सबकी मैगी आ रही है। टूट पड़ो, टूट पड़ो, ये लो, ये लो, ये लो, टूट पड़ो। और यहाँ पर थोड़ा गार्निश, बस मैगी बनी है, बहुत बढ़िया। हेलो गाइस, मैगी खा लो, मैगी तो उसको यार, मैगी खत्म हो गई, बिपिन मैगी दे अपनी इसको। और साथ में चने समा बांध दिया पूरा। तो यहाँ से मैगी खा ली है, और अब यहाँ से चल रहे हैं वाटरफॉल। अब थोड़े ही लोग बचे हैं, पहले काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, अब चल रहे हैं नीचे पे। तो रास्ता ऐसा है कुछ यहाँ पर, हाथ मेरा हाथ छोड़ दे, आराम से। पहुँच चुके हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है झंडा। और रास्ता कुछ ऐसा है यहाँ का, रिस्क तो है खैर, वॉटरफॉल देख सकते हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है। और जो आवाज़ आ रही है, मतलब काफ़ी तेज साउंड आ रही है पानी की, और जैसे पास जा रहे हैं उससे तो मतलब ठंडक से महसूस हो रही है, वो आरती है पानी की, वो आ रही है। यहाँ पर चल रही है हवा पूरी के साथ, झरने के साथ हवा आ रही है, पानी की पूरी बारीक बारीक से फुहारे से आ रही है। पानी देख सकते हैं आप कितना ब्लूइश लग रहा है, हल्का हल्का सा, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं यहाँ से, और पीछे आप देख सकते हैं झरना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। टाइम हो चुका है और सूरज भी ढलने वाला है, तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है वैसे, पार्टी करने के लिए या फिर फैमिली के साथ आने के लिए। पर नीचे जो रास्ता है वो काफ़ी थोड़ा मुश्किल है, अब उड़ गया, इसलिए आराम से जाएं। बाकी लोकेशन अच्छी है, बाकी आप झरना देख सकते हैं, क्या प्यारा लग रहा है यहाँ से। गाइस हमने ये जो कबाड़ा था हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे आओ तो गंदगी ना फैलाओ, अच्छा रहता है। चल चल चल, तो हम साथ में लेके जा रहे हैं, और जहाँ पर डस्टबिन मिलेगी वहाँ पर फेंक देंगे, क्योंकि हम ही अगर गंदा करेंगे तो बाद में फिर आने के लिए गंदगी मिलेगी हमें, इसलिए साफ करके चलें अपना कबाड़ा, ताकि अगली बार दोबारा आए तो पहले से क्लीन रहे, अच्छा रहे। सो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।